उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से जिलों के बारे में भी जानकारी ली। सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्युत, परिवहन विभाग, फायर, एसडीआरएफ के साथ कई विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से सीएम धामी ने मौसम का मिजाज देखकर यात्रा करने की अपील की है। पांच छह दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है, उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी ली है, जिलाधिकारियों से भी बात की है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं, उसके साथ साथ एसटीआरएफ की टीम सभी जगह लगी हुई है, एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं, सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार रहें। अभी बात की है, सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं, कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है और यह भी सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जहां जल भराव हो रहा है वहां पर जो हमारे नाले हैं या छोटे रास्ते हैं, कई स्थानों पर घास, कई स्थानों पर पन्नी इत्यादि, कई सारे कपड़े या ऐसे फंस जाने के कारण से भी जल भराव एकदम से ज़्यादा हो जाता है, उस सभी को आज दिखवा लेंगे, क्योंकि आज पहली बरसात हो रही है, इसके बाद हम सब लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर काम करना है, उसके हिसाब से सभी लोग अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे।